रावण वरे रावण जबानो जमे वो बढ़िया हां रावण मारे हां मजार रावण भाई चलो भाई ना और बोल लो साड गया बराबर सही है हम हमें नवर कौन मिल हमें कौन मिल नहीं देवी ये मुश्किल पत्र घर जो नहीं देवी अरे वो तो कौन हो गया वो फोटो दी दे रहा हूं बट रोमन सोमन रो नहीं रो छुटे वकीलों आते हैं एक सौ चालीस देव हाँ अरे दीपक भी नहीं होते हैं ना को भगवान घर से होता है कुंद्र थे कार डूबे हैं करके यार वो भारी है वो भारी है देव हमने देखा ही कबार इस साल जमाने के इलेक्शन थोड़े कम दिख रहे हैं भुगनों में काल तरेन खगाल डूबे बड़ो डेरो है भाई ठावणो ही कुदरत आरू है ठावणो ही कुदरत आरू है जी पास जाओ ना पण ना हमें पण आ जट टमणी देसी है कोन गाट आ देसी डूबा आरू थे होस करिया यो डूबे क्यों है आ जट वो बड़ की देवी डाल रही है हां हां वजन वाली हां वजन वाली हां हां तो बैठ जाते हैं हम के दौरे एक गाड़ी ऊपर लोटो पड़े आउसे रे बाबू वाली है ओ रे जो आउसे गायो और नाली और करम बस तालो है धन्यवाद गई है ये सदियों पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में वैसे देवासी समाज जो है देवरूपी समाज के रूप में जाना जाता है और देवासी समाज हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखता है इसी अनुकूल ईश्वर इनके हृदय में जो ये कहते हैं निकालते हैं सदियों से तो उसी में मतलब भरोसा रख कर ये देखे हैं तो सदियों से परंपरा जो चल रही है पारिवारिक देखते हैं हमारे दादाजी ने परदादाजी ने उसके बाद में हमारे पिताजी ने अब हमारी जनरेशन है तो हम लोग भी इसी परंपरा को जिस हिसाब से देखें उस हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं और ईश्वर से भरोसा रख कर ये सब होता है हमारे ईश्वर के ऊपर ही ये है अगर बरसात नहीं होती है तो हमारे पशुपालकों को मतलब बड़ी क्या बताएं आपको क्योंकि हमारा जो पूरा भरपण होता है पारिवारिक पोषण होता है वो इसी पशुपालकों पे निर्भर है और जब पशुओं के लिए बारिश ही नहीं होती है और बरसात नहीं हो और पानी न मिले तो पशु को खिलाएंगे या परिवार के बच्चों को मेन हम निर्भर इन्हीं के ऊपर हैं और हमारा पारिवारिक यही है मतलब शुरुआत से आज दिन तक पशुपालकों का ही रहा है और पशुपालक ही है ये किसानों का महापर्व है हाड़ी मासी और आखा तीज ठीक है ना तो इनके ऊपर जो आने वाले ज़माने के सुगंध दिख जाते हैं कि इस ऐसा ज़माना कैसा होगा या दुकाल कैसा होगा उन जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है ऐसे ये कि जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं जैसे जेठ अषाढ़ श्रावण भादरा बनाते हैं ठीक है ना उसमें पानी डालते हैं जैसे भी वो पहले भी वो फूटता है ना जैसे पहले श्रावण फूट गया तो श्रावण बारिश हो गई जेठ फूट गया जेठ बारिश हो गई उसी अनुरूप सब ये होता करेगा ये तो पुराने महाराज जो को बाबा दादा वो ये हुगन ये वसार था वो हमारे पिताजी ने ये पुराने टाइम में ये जो को हुगन वसार था वो टाइम में मैं दी थी मैं हुगन वसार हूँ मारा बाद में जो को छोटा 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 है विस्तार है जो को देखे परंपरा ये बहुत पुरानी है कोई हजारों वर्ष तो कहीं कहीं तरीको चार मट्टी री कुल की बनावा चार परात्र में ही मिलों पी चार और नाम पाड़ा जेठ अषाढ़ हरमण भाद्रु वो सारी पूरा हाड़ी हाड़ी परबरा भेड़ा हुए वो और पूरी धारण हुए मन में पूरी विचारणी हुए कि मारे वर्री पूरा थाग लेनो तो वो बनावे जो को सियारा नाम दिए अलग अलग जरे वो सियार पानी भरे
पहली जो को फूटे भाई जेठ वो फूटे तो आड़िया उनके हमने उन जेठ फूटो है आगत बरसात भी है हरोमण जे असाड़ फूटे तो आड़िया उनके जेठ में जोंदली असाड़ फूटो है जो को हमने बराबर जोंदली दिए कोनी बराबर पूरी रुत मात बरसात भी है हरोमण ना में आड़िया पुरानी कहवत है हरोमण ना में आड़ी हरोमण ने जी फूटे तो बढ़िया है हरोमण ना तो आड़ी हो तो ही हमने जमानो बढ़िया आई भादरुओ तो लास्ट में भादरुओ तो भादरुओ तो बरे जरे हाँख बराबर बढ़िया रुत जमे ए तीन महीना यार मान लो जमाने माते आड़ियों पूरो विश्वास आवे भाई हमने और जेठ फूटो है मतलब इस सगुन से काल सुकाल का पता चल जाता हाँ वो ने पूरा पूरा अन्ना जो है कि भाई हमने ए जको कुल की फूटो आड़ी परंपरा जाता बात करिएगा हमने तो बढ़िया जमानो आए रो के हुगन बचारिया था तो हाँ हुगन बचारिया था जेठ फूटो है तो हमने जेठ में बरसात भी है वे टाड़े काला धोला बुढ़ा बनावे तो ये न एक कालो है कालो धोड़ो है गालो कालियो पो डूबे तो बुढ़िया मेन बातों करो के भाई हमने काल तो गयो जमानो आई हमने और काल डूबो वो जमाना आलो तरी हो जो वह तो कई पुराने हजार साल है